Hey guys, welcome to my channel. It's English time. So today is a new topic, that is conjunctions. So let's start with the topic. So conjunctions. A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses or sentences. Conjunction ek aisa word hota hai jo ki kuch words ko aapas mein join kare, kuch phrases ko, kuch clauses ko या कोई सेंटेंसेस को. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन एक ऐसा लिंकिंग वर्ब है, वर्ड है जो कि कुछ वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस या फिर कोई सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ लिंक करे या कनेक्ट करे. उन वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, दो सेंटेंसेस हमें दिए हैं, अलग अलग हैं, मगर उन्हें हमें एक सेंटेंस बनाना है. तो उस सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कंजंक्शन कहते हैं, जिसके हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका डिटेल हम आगे पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. अ कंजंक्शन कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कंजंक्शन एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, मतलब दो तीन वर्ड्स एक साथ मिले हों उन्हें भी हम कंजंक्शन कह सकते हैं. सो सिंगल वर्ड कंजंक्शन. सिंगल वर्ड कंजंक्शन मतलब जो सिर्फ एक वर्ड हो जिन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं, वो होते हैं एंड, बट, येट, बिकॉज, एक्सेट्रा. एक्सेट्रा एक कंजंक्शन नहीं है. एंड, बट, येट एंड बिकॉज, ये कंजंक्शंस और भी बहुत हैं, बट हमने यहाँ पे सिर्फ अभी चार एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं. फॉर एग्जांपल, शी बॉट मी अ शर्ट एंड अ बुक. उसने मुझे एक शर्ट और एक बुक खरीद के दी. अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस बन सकते हैं इसमें. शी बॉट मी अ शर्ट, शी बॉट मी अ बुक. वो हमारे लिए दोनों चीज़ें लाई है, तो हम दोनों सेंटेंसेस को एक मिला के एंड एक कंजंक्शन था जिसे हम यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस को हमने एक बनाया और सेंटेंस बना शी बॉट मी अ शर्ट एंड अ बुक. इसके दो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? शी बॉट मी अ शर्ट फुल स्टॉप, शी बॉट मी अ बुक. ये होते हैं दो सेंटेंस. इनको दो सेंटेंस की बजाय हमने एक कंजंक्शन लगा के दो सेंटेंसेस को एक बना दिया. तो सेकेंड इज कंपाउंड कंजंक्शन, जिसमें दो तीन वर्ड्स एक साथ मिले हों. फॉर एग्जांपल, एज लॉन्ग एज, एज फार एज, इन ऑर्डर टू. फॉर एग्जांपल, ही बॉट मी अ लैपटॉप एज वेल एज अ बैग फॉर इट. मतलब वो मेरे लिए एक लैपटॉप लाया और साथ ही साथ उसके लिए बैग लाया, मतलब उस लैपटॉप के लिए वो बैग लाया. तो एज लॉन्ग एज एक कंपाउंड कंजंक्शन है. दो सेंटेंसेस हो सकते थे यहाँ पे, ही बॉट अ लैपटॉप और ही बॉट अ बैग फॉर इट. ये दो सेंटेंसेस हो गए, इनको हमने ज्वाइन करके एक बनाया. कंजंक्शन कौन सा लगा? एज वेल एज. तो सेंटेंस बन गया, ही बॉट अ लैपटॉप एज वेल एज अ बैग फॉर इट. सो कंजंक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. कंजंक्शन सिर्फ तीन तरह के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इन टुडेज वीडियो वी लर्न द जस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग, एंड द रेस्ट ऑफ टू, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव. वी विल लर्न दैट दोज कंजंक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दीज जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस हैविंग सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. इट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं जो कि सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से हों. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर. दीज जॉइंस द फॉलोइंग मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किन किन चीज़ों को ज्वाइन करते हैं. वर्ड प्लस वर्ड, मतलब दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करेंगे या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं या दो क्लॉजेस को. मीन्स वर्ड प्लस वर्ड, मतलब एक वर्ड होगा फिर कंजंक्शन होगा फिर वर्ड होगा. एक फ्रेज होगा, एक कंजंक्शन होगा फिर फ्रेज होगा, क्लॉज फिर कंजंक्शन एंड फिर क्लॉज. द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो. सो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फैन बॉयज लिखा है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का फर्स्ट अल्फाबेट से बना हुआ है. पूरा याद करने के लिए आप ये फैन बॉयज याद रख सकते हैं नाम. इससे आपको याद रहेगा कि एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर,
B से but, O से or, Y से yet and S से so. इसलिए आपको याद रहेगा कि कोई मिसिंग ना हो जाए इसमें कंजंक्शन. सो फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सो नाउ हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू मेक यू द हेडिंग क्लियर. सो द फर्स्ट वन इज ही बॉट अ बुक एंड अ पेन. हियर यू कैन सी द सर्कल वर्ड्स एंड इट इज अ कंजंक्शन विच जॉइंस टू सेंटेंसेस. So two sentences could be he bought a book and the second one will be he bought a pen. So हमने इन दोनों sentences को join करके एक बनाया और sentence बन गया he bought a book and a pen. मतलब वो एक book और एक pen लाया. अगर दोनों चीज़ें आ रही हैं तो and आएगा. So the next one is I forgot to bring my laptop and camera. मतलब मैं अपना laptop और camera लाना भूल गई. सो यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन है क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं आई हैं तो इसलिए हमने एंड लगाया है. और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वर्ड प्लस वर्ड मींस लैपटॉप एंड कैमरा. सिंगल सिंगल वर्ड है तो इनके बीच में कंजंक्शन लगा इसलिए वर्ड प्लस वर्ड दैट इज वर्ड कंजंक्शन वर्ड. द नेक्स्ट इज यू मे मीट मी एट माई होम और एट माई ऑफिस. मतलब आप मुझसे या तो मेरे घर पर मिल सकते हो या मेरे ऑफिस पे. जब हम कहें कि या तो वहां पे हम लगाते हैं और. हिंदी में नहीं इंग्लिश में और ओ आर लगाते हैं जब हमें कहना हो या तो ये करो या ये. और जब हम कहें कि ये और ये करना है मतलब दोनों चीजें करनी है तो एंड लगाते हैं. यहां पे मैंने अंडरलाइन किया है एट माई होम एंड एट माई ऑफिस. ये दोनों हैं फ्रेजेस तो इसलिए हमने लगाया है फ्रेज प्लस फ्रेज means at my home or at my office. So the next example is I waited for him but he didn't come. मैंने उसका इंतजार किया था लेकिन वो नहीं आया. जब हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन वहाँ हम इंग्लिश में बट लगाते हैं. I waited for him. मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया. But he didn't come. So I waited for him is the first clause and he didn't come is the second clause. तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने बीच में लगाया बट. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट वॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. सो स्टे ट्यून्ड विद माई वीडियोज. फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन एंड प्लीज शेयर विद योर लव्ड वंस. थैंक यू.